नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फिश से। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे स्पैम में ना फंसे और किस तरह से कंपनियां आपको ईमेल करेंगी, आपको मैसेज करेंगी अपने स्पैम में फंसाने के लिए। बट आपको एक काम करना है, आपको नहीं फंसना है किसी स्पैम में, वरना आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को गंवा सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है या व्हाटएवर, आप किसी भी बैड सिचुएशन में जाकर ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं नहीं कहता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं नहीं कहता हूं आप मेरे चैनल को कुछ भी कीजिए, मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। बट जो मैं आपसे आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं वो प्लीज कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि अगर ऐसा कोई मैसेज, ऐसा कोई ईमेल किसी आपके रिलेटिव के पास आता है, आपके किसी फ्रेंड के पास आता है, आपके किसी फैमिली मेंबर के पास आता है, आपके पास खुद आता है, तो आप उससे बच सके और आपको इसके बारे में आइडिया हो और आप उसके ट्रैप में ना फंसे, आप लालच करके उसके कहे अनुसार कोई भी काम मत कीजिए। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए मैं चलता हूं अपने मोबाइल की तरफ और जहां पे आपको मैं मैसेज दिखाऊंगा, उसका ईमेल दिखाऊंगा, उसके बाद मैंने क्या उसको पर्सनली रिप्लाई किया ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं आ गया अपने मोबाइल पे और देख सकते हैं आप यहाँ मैसेजिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो मैसेज में आप देख रहे हैं कि ये जो थर्ड वाला मैसेज है BZ, वहाँ पे लिखा गया है डियर सर मैम देयर इज समथिंग आई वांट टू डिस्कस, मतलब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहती हूँ, मुझे प्लीज ईमेल कीजिए। तो मैं सोचा किसी का होगा, कंपनी का होगा या और किसी का होगा, तो देन आई जस्ट वेंट डाउन एंड मैंने उस पर फिर ईमेल किया कि यू कैन डिस्कस नाउ। तो अब देखिए मैं उस पर चलता हूँ, तो ये मैसेज चार्लट करके आया है मेरे पास। देखिए मेरी चैनल का ही है, टेक्निकल फीस्ट वाली आईडी पे ही था वो। तो मैं जब नीचे गया तो यहाँ ये लिखा गया था कि आपको बहुत बहुत बधाई, पता नहीं क्या क्या, और मैं 53 साल की हूँ, मैं रहती हूँ यूके में, किसी शहर वेलमिंस्टर का जिक्र किया इसमें। उसमें बताया गया कि मेरे पति की प्रॉपर्टी है, मेरे पति ने पैसे कमाए थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, और बट मैं ये नहीं चाहती कि मेरा प्रॉपर्टी कोई और ले, मैं अपने रिलेटिव मेरी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं बीमारी से ग्रसित हूँ और मैं मेरी भी डेथ कुछ महीनों में होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ ये चैरिटी के लिए जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर आप प्लीज़ बताइए मुझे, आप 40% रख लीजिएगा, $5 million है मैं आपको दे रही हूँ, जिसको आप 60% डोनेट कर दीजिएगा। और तो बस यही सा मेरे पास ईमेल आया, अगर आपके पास ऐसा कोई आता है तो स्पैम मत कीजिए। उसके बाद मैंने देखिएगा कि मैंने क्या रिप्लाई किया है, तो अभी तो मैं फिलहाल इसको दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहें आप तो पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ लिखा गया है थैंक यू मिसेस चार्लेट फ्लेचर। तो अभी मैं अपना दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया रिप्लाई में। तो अभी देखिए, जैसा कि टेक्निकल फीस्ट मेरा अदर चैनल है, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। अब देख लीजिए पूरा, मतलब ध्यान से पढ़ लीजिए धीरे धीरे। तो अभी देखिए मेरा रिप्लाई आ गया, मिसेज चार्लर फैचर वेरी मच थैंक यू, मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, बट मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं, मैं एक सिंपल नागरिक हूँ, एक साधारण नागरिक हूँ भारत का, और मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं मैं उनसे खुश, उनके साथ खुश हूँ। और फिर अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो अपने लोगों के लिए डोनेट कीजिए जो कि वहाँ के पुअर लोग हैं यूके के, और फिर अगर हम इंडियन की मदद करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ केरला को डोनेट कर दीजिए। मैंने देखी यहाँ पे केरला की ऑफिशियल डोनेटिंग वेबसाइट भी उनको लिंक कर दी, उसके बाद से मुझे कोई अभी तक रिप्लाई नहीं आया है और आई नो कि अभी रिप्लाई आएगा भी नहीं। तो फिर दोस्तों देखते हैं क्या है, आप प्लीज़ इस जैसे चक्कर में कभी मत फंसी। अगर आपको कोई बताता है, आपको कोई 500 रुपये भी कहता है ना कि आपको मिल जाएगा 500 रुपये, तो आपको लगेगा हाँ भाई 500 दे सकते हो, तो आपको करने कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो तब भी $5 million की बात है, यानी काफ़ी ज़्यादा रुपये होता है दोस्तों। और अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो आप प्लीज मत मानिए। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया है, मैंने आपको दिखा दिया है कि पूरा क्या था मामला और किस तरह से मैसेज आया, क्या क्या उसमें बोला गया, और ऐसा लग रहा था जैसे ये रियल कोई है। बट दोस्तों आपको इस फेक में कभी नहीं पढ़ना है, मेरा रिप्लाई आपने देख लिया। बस अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है तो प्लीज उसको उल्टा सीधा कुछ मत कहिए, आप सिर्फ नॉर्मली ये कह दीजिए कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आप बहुत अच्छे हैं। प्रोबेबली अगर आपके पास ऐसा भी कोई कॉन्टेक्ट आता है तो प्यार से बात कीजिए, प्यार से मामला सुलझ जाएगा, वरना फिर आपको नहीं पता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, वॉट एवर दे आर। सो आपको बस सिंपली आपको नहीं ना कह देना है, आपको उससे कुछ नहीं करना है, बस सीधी बात आराम से, वो भी प्रेम से। तो दोस्तों अगर आए हो आपको मेरे वीडियो पसंद, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मैं नहीं कहता आप लाइक कीजिए, मैं फिर से कहता हूं कि आप की मर्जी हो सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, डिसलाइक भी कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।